नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। सो गाइस, आज हम एक बहुत ही बढ़िया और अवेटेड डिवाइस की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो है सैमसंग का M10 स्मार्टफोन। और गाइस, ये रहा उसका रिटेल पैकेजिंग। गाइस, इसके साथ और एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, जो है सैमसंग का M20 स्मार्टफोन। सो उसकी भी अनबॉक्सिंग हमने हमारे चैनल पे की है। सो अगर किसी को उसका वीडियो देखना है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा। सो ये है उसका एक्चुअल बॉक्स, और बॉक्स के आगे की तरफ यहाँ पे आपको फोन का एक्चुअल इमेज देखने मिलता है, और नीचे की तरफ लिखा है M10। बॉक्स के पीछे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलता है उसके कुछ फीचर, जैसे कि इन्फिनिटी वी डिस्प्ले, डुअल कैमरा और स्लिम डिजाइन। और MRP यहाँ पे मेंशन है 9,290 रुपीज। बॉक्स के साइड में यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं उसकी ब्रांडिंग। तो चलिए हम इसे अनबॉक्स करते हैं। सो यहाँ पे आपको देखने मिलता है उसका क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी इन्फॉर्मेशन और यूजर मैनुअल। यहाँ पे आपको देखने मिलता है उसका पावर ब्रेक, जो है 5 वोल्ट 1 एम्पियर का। प्लस यहाँ पे आपको देखने मिलता है एक माइक्रो USB केबल, और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है सिम इजेक्टर टूल। तो गाइस, जब तक ये फोन बूट अप होगा, यहाँ पे हम देखेंगे उसके कुछ फीचर, जैसे कि इसका स्क्रीन साइज है 6.2 इंच का, इन्फिनिटी वी डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने मिलता है, स्क्रीन रेजोल्यूशन है 720p, रियर कैमरा है 13 मेगापिक्सल f1.9 अपर्चर प्लस 5 मेगापिक्सल f2.2 अपर्चर, फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल f2.0 अपर्चर, बैटरी है 3400 mAh की, मेमोरी है 32GB, रैम है 3GB का, और प्रोसेसर है एक्सिनोस 7870, 1.6 GHz ऑक्टाकोर प्रोसेसर। सो गाइस, यहाँ पे जो भी इनिशियल सेटअप है हम डिवाइस का, यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ पे आगे की तरफ आपको देखने मिलता है उसका फ्रंट कैमरा, साइड में यहाँ पे आपको देखने मिलता है वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का बटन, और उसके नीचे आपको देखने मिलता है पावर ऑन ऑफ का बटन। पीछे की तरफ आपको देखने मिलता है डुअल कैमरा सेटअप, उसके नीचे आपको देखने मिलता है फ्लैश लाइट, और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है उसका स्पीकर। फोन की नीचे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलता है माइक्रोफोन, माइक्रो USB पोर्ट और एक 3.5 mm का जैक। और यहाँ पे दूसरी तरफ आपको देखने मिलता है सिम कार्ड ट्रे, जिसमें आप इंसर्ट कर सकते हो 2 SIM कार्ड और एक मेमोरी कार्ड अप टू 512 GB, और ऊपर की तरफ भी आपको देखने मिलता है एक माइक्रोफोन। सो यहाँ पे जो आपको UI देखने मिलता है, वो सैमसंग के UI जैसे ही आपको देखने मिलता है, सिमिलर UI आपको देखने मिलता है। तो अभी हम जाते हैं अबाउट सेक्शन में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड ओरियो देखने मिलता है, और यहाँ पे हम देखते हैं उसका इंटरनल स्टोरेज। तो यहाँ पे आप जैसे ही देख सकते हो, यहाँ पे आपको 20 GB स्टोरेज अवेलेबल मिल जाता है, जो काफी बढ़िया है। सो यहाँ पे इसका इन्फिनिटी वी डिस्प्ले चेक करने के लिए हम टर्न ऑन करते हैं यहाँ पे YouTube। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो वीडियो है कम्प्लीटली इन्फिनिटी वी डिस्प्ले पे प्ले नहीं हो रहा है। सो उसे टर्न ऑन करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आपको जाना है फुल स्क्रीन एप्लीकेशंस, और वहाँ पे आपको YouTube को टर्न ऑन करना है। उसके बाद आप जो भी YouTube का वीडियो देखोगे, आपको फुल स्क्रीन मतलब फुल इन्फिनिटी वी डिस्प्ले में आपको दिखाई देगा। प्लस इसका जो स्पीकर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी लाउड है, और पीछे की तरफ इसका स्पीकर आपको देखने मिलता है। सो गाइस, यहाँ पे हम ट्राई करेंगे PUBG गेम खेल के, देखते कैसा इसका परफॉर्मेंस। सो गाइस, यहाँ पे जो PUBG गेम है काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। गाइस, इसमें आपको इन्फिनिटी वी डिस्प्ले में फुल स्क्रीन में आप PUBG नहीं खेल सकते, क्योंकि जो फुल स्क्रीन एप्लीकेशन है उसमें PUBG सपोर्ट नहीं करता है। बट गाइस, PUBG जो गेम है काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है, यहाँ पे आपको ज्यादा लैग नहीं देखने मिलता, काफी बढ़िया तरीके से आप खेल सकते हो इस डिवाइस की हेल्प से। और यहाँ पे हम जाते हैं सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स में ग्राफिक सेटिंग्स में आपको देखने मिलेंगे सिर्फ 2 सेटिंग, जो है स्मूथ और बैलेंस सेटिंग्स। सो HD सेटिंग यहाँ पे आपको नहीं देखने मिलता, क्योंकि इसका जो स्क्रीन है वो है 720p का। सो यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा है, हम उसे टर्न ऑन करते हैं, और आप देख सकते हो फ्रंट कैमरा भी काफी बढ़िया और वाइड एंगल कैमरा है। और गाइस, जैसे हमने यहाँ पे इमेज क्लिक किया है, काफी बढ़िया और बेहतरीन यहाँ पे इमेज आया, आप देख सकते हो डिटेलिंग काफी ज्यादा अच्छी है। प्लस यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा में स्टिकर्स देखने मिलता है, स्टिकर्स का ऑप्शन देखने मिलता है, लाइव फोकस आपको देखने मिलता है, जिसकी हेल्प से आप पोर्ट्रेट मोड में भी फोटो निकाल सकते हो सेल्फी कैमरा की हेल्प से।
प्लस यहाँ पे जो फ्रंट डिस्प्ले है वो एज अ फ्लैश आप यूज़ कर सकते हो सेल्फी कैम के लिए, और यहाँ पे जो रेयर कैमरा है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस की हेल्प से आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो, प्लस यहाँ पे आप फुल स्क्रीन में भी इसे यूज़ कर सकते हो, जो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे फीचर आपको देखने मिलता है। प्लस इसका जो फोकस है और डी फोकस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। प्लस यहाँ पे आपको कई सारे डिफरेंट मोड देखने मिलते हैं, जैसे कि ऑटो मोड है, लाइव फोकस मोड है, ब्यूटी मोड है, प्रो मोड है, कंटिन्यूस फोटो मोड है, कई सारे मोड्स आपको देखने मिलते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं पिक्सल साइज में, तो पिक्चर साइज में आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेगापिक्सल की पिक्चर्स आप क्लिक कर सकते हो, प्लस जो वीडियो साइज है उसमें आप फुल एचडी वीडियो शूट कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस क्लिक किए, सो आप देख सकते हो काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे कलर प्रोडक्शन हो रहा है, काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे इमेजेस क्लिक हुए हैं, प्लस सेल्फी कैम से भी आप पोर्ट्रेट मोड में इमेजेस क्लिक कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया है जियो का सिम कार्ड, और यहाँ पे आप देख सकते हो वीओ एलटी सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने मिलता है, जो काफी बढ़िया है। प्लस ये जो फोन है पीछे की तरफ से फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, क्योंकि इसका सरफेस ग्लॉसी है, सो काफी आसानी से ये फिंगरप्रिंट पकड़ लेता है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा इस स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग, काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन ये स्मार्टफोन है, और इस प्राइस रेंज में आपको कई सारे फीचर्स यहाँ पे देखने मिलते हैं। सो गाइज बस यही था आज का अनबॉक्सिंग वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।